This song is by John Mayer, and the first time I heard this song, I literally got shivers. अब मेरा भी similar experience जब मैंने पहले दफा इस गाने को सुना था, तो I got goosebumps. और फिर जब मैंने गाना सीखा, तो I found out कि यार इतना song is so beautiful. तो story बता इसकी. तो John Mayer Berkeley गया music सीखने, he found out कि उससे बहुत बेहतर musicians इधर हैं. अच्छा वैसे वो गिटार सीखने गया था बर्कली सिर्फ खाली गिटार, लेकिन जब उसने देखा कि उसके आसपास इतने बेहतर उससे म्यूजिशियंस हैं, तो वो स्टैंड आउट कैसे कर पाएगा इस म्यूजिशियंस में से थे. फिर उसने अपने टीचर डिस्कस किया टोमो फुजीता, उन्होंने उसको बताया कि अपनी कोई और यूनिकनेस जो आप करते हो. उसने कहा मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है. फिर उसने इसके बाद फिर अपनी सिंगिंग और गिटार बजाने की स्किल को इन्फ्यूज़ किया आपस में, और फिर उसने फिर गाने रिलीज करना शुरू किए, लोगों को सुनाया, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया. And aista aista phir wo he became one of the biggest guitarists of the world. Aur isme se seekhne jo hum aapko batane wale hain jo baat isme seekhne wali baat hai ki jo cheez hai usme aapne apna dwar mein sar nahi mara aur aapne apni cheeze seekhte rehni hai ki aap aur apne environment se seekhe apni cheeze modify kare apni uniquenesses मिक्स करें और फिर अपनी कोई चीज़ उसमें से निकालें और अपनी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें. बहुत अच्छा पॉइंट है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. पीस. सो